एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप बिगनर हैं और मेकअप सीखने के लिए आप सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं या फिर मेकअप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और कम पैसों में हाई क्वालिटी या फिर अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेकअप वैनिटी में एक गुड मॉइस्चराइजर चाहिए होता है। आप किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपके लिए लाई हूँ हनी एंड आमंड का जॉय का मॉइस्चराइज़र और ये ओनली 10 रुपीज़ का है, तो आप ऐसे मॉइस्चराइज़र खरीद सकते हैं। ये इसके हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड सेकेंड आप अपने फेस को क्लीन करने के लिए डीप और क्लिनजिंग मिल्क ले सकते हैं जो कि आयुर का, ये मेरे को 50 रुपीज़ का पड़ा है। सेकेंड अगर हम अपने फाउंडेशन की बात करें तो आप ये ले सकते हैं हाई कवरेज फाउंडेशन वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का है, जो कि मैंने भी खुद यूज़ कर चुकी हूँ। मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। एक न्यूड मेकअप लुक आपको इससे मिल जाएगा। ये देखिए काफ़ी हाई कवरेज फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा है ब्राइटनिंग क्रीमी कंसीलर एनजी का है, न्यू गर्ल का, जो कि मेरे को सिर्फ 150 का पड़ा था और इसका शेड नंबर 4 है। ये भी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। एंड ये भी मुझे 150 का ही पड़ा है। उसके बाद मेरे पास अगर आप कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कोई क्रीम वगैरह चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं लैक्मी 9 to 5 का CC कॉम्प्लेक्स केयर क्रीम, और ये इसमें मेरा शेड नंबर 2 है हनी, जो कि मुझे 99 रुपीज़ का पड़ा है। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छी है। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं, अगर आपको अपना एग्जैक्ट शेड नहीं पता है कि आप कौन से शेड का फाउंडेशन या क्रीम वगैरह ले, तो आप ये ले सकते हैं, ऐसी एक पैलेट ले सकते हैं। ये पैलेट मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। स्विस ब्यूटी का ही अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी 250 का ही है और इसमें ये पैलेट नंबर 2 है मेरे पास, और इसमें काफ़ी शेड्स हैं जो कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 9 शेड्स मिल जाएंगे, सॉरी 8 शेड्स मिल जाएंगे आपको इसमें, जिसमें आपके पास ये शेड्स हैं। एंड ये आपको ऑरेंज कैरेक्टर मिल सकता है इसमें आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको एक प्राइमर चाहिए, इसके बाद अगर आप एक अच्छा प्राइमर चाहते हैं, ये ऑयली स्किन के लिए है मेरे पास प्राइमर, ये जेल बेस्ड प्राइमर है मार्स का। ये प्राइमर मेरे पास 180 का है और ये भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है। ये आप इसमें एक पंप भी आता है यहाँ से, या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपको कंसीलर चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास यही स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है, जो कि मेरे पास शेड नंबर 3 है लाइट नियॉन, और ये भी काफ़ी अच्छा कंसीलर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपको उसको सेट करने के लिए, ऐसे आप लूज़ पाउडर ले सकते हैं। ये CVB का एयर लाइट क्राइस्टाइल ब्लूमिंग फेस पाउडर है, लूज़ पाउडर, और इसका शेड नंबर है 3, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऐसा एक पाउडर पफ भी आता है एंड ये यहाँ पे ऐसे निकलता है। एंड उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए होंगे, तो ये ब्यूटी ब्लेंडर है मेरे पास, ये 25 रुपीज़ के हैं, और आप ऐसे पाउडर पफ भी ले सकते हैं। ये पूरा पैकेट ये 50 रुपीज़ का है। इसके बाद अगर आपको आई शेडो लेने हैं तो आप ये हिलेरी रोडा का आई शेडो पैलेट खरीद सकते हैं। 16 आई शेडो आते हैं इसमें, और
इसकी वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, ये हिलेरी रोडा का, और काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इसके अंदर, शिमर शेड भी हैं, मैट शेड भी हैं इसमें, और मैं आपको ने यूज़ करके भी दिखाती हूँ कि आप ये देखिए कितने हाईली पिगमेंटेड शेड्स हैं इसमें, मैट भी हैं आपके पास और शिमर शेड्स आपको दोनों मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा प्यारे कलर्स हैं इसमें, आप ये ख़रीद सकते हैं। ये पैलेट मेरे को 150 रुपीज़ की पड़ी थी, एंड अगर इसमें ये किट मेरे पास है जिसे मैं यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी बार, ये मार्स की पैलेट है जिसमें 48 कलर्स आई शेडोज हैं, और ये मुझे 200 रुपीज़ की पड़ी थी, और इसमें सारे शिमर शेड्स हैं बट बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारे शेड्स हैं इसमें। ये 2 एप्लीकेटर्स आते हैं लेकिन एक वो खो गया है मेरे से, एंड इसमें मैं आपको दिखाती हूँ शेड्स, इसके भी बहुत ज़्यादा शेड प्यारे हैं एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड शेड्स हैं। ये देखिए, तो आप ऐसी पैलेट्स खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, आपको ब्लश ख़रीदना हो तो ये भी स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट है, एंड इसका शेड नंबर जो है वो 01 है पैलेट नंबर, और ये भी मुझे 250 की ही पड़ी थी। इसमें आपको 4 शेड ब्लश के मिल जाएंगे और 4 शेड आपको हाइलाइटर्स के मिल जाएंगे इसमें। ये भी काफ़ी अच्छे ब्लश कलर्स हैं इसमें ब्लश के एंड हाइलाइटर्स के भी, एंड ये जो हाइलाइटर है मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। अगर आप अलग से हाईलाइटर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, ये मुझे 100 रुपीज़ का हाईलाइटर पड़ा था, एपिक गोल्ड का ब्रीक हाईलाइटर, ये भी काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है। देखिए ये हाइलाइटर कलर्स, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लिपस्टिक चाहिए तो आप ये खरीद सकते हैं। आप ये लिपस्टिक मैं भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, लोटस की है ये, और ये काफ़ी यूज़ हो चुकी है मेरी, ये न्यूड शेड है इसका, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शेड है ये, एंड ये LA18 कलर पॉप्स की विथ कोको बटर, इसका शेड है बेरी क्रश 21 है इसका शेड। ये भी काफ़ी अच्छा शेड है, एंड ये है मेरी 9 to 6 की मिलैप मैट लिक्विड लिपस्टिक नॉन ट्रांसफ़र, एंड लिक्विड लिपस्टिक है, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ बट काफ़ी अच्छी है, ये मैंने 100 रुपीज़ की ली थी, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शेड है। देखिए, एंड उसके बाद अगर आप ऐसी पैलेट्स भी ख़रीद सकते हैं, ये भी स्विस ब्यूटी की है, 250 की पैलेट है, इसमें भी काफ़ी सारे शेड हैं, इसमें भी 10 शेड्स हैं ऑलमोस्ट, और सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं, मैं यही वाली पैलेट अभी यूज़ कर रही हूँ, एंड मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखिए, अब हम यहाँ पे लाइनर में देखते हैं तो सबसे पहले हम काजल देख लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे दो काजल हैं, दोनों ही लैक्मी आइकॉनिक काजल हैं, ये बहुत ही अच्छा काजल है, ये देखिए ये आप ले सकते हैं। सेकंड मेरे पास अब आता है वो है मेरे पास लाइनर, पहले ये है ब्लू हेवन का आईलाइनर, वाटरप्रूफ आईलाइनर है ये, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, जेट ब्लैक है, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, तो आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा, एंड आप ये कुछ 70 या 100 रुपीज़ का ये आपके पास आ जाएगा, आप ये ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप पेंसिल आईलाइनर खरीदना चाहते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं, ये प्रिसेशन लिक्विड आईलाइनर है, वाटरप्रूफ है पेंसिल आईलाइनर, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, एंड अगर आप ये आजकल मार्केट में चल रही है म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर है, जिसमें दो आईलाइनर है मेरे पास, सबसे पहले इनके साथ ब्रशेज भी आते हैं, दो ब्रश हैं इन्हें यूज़ करने के लिए, और ये मेरे पास पहला है ब्राउन कलर का आईलाइनर है, एंड सेकंड मेरे पास
ये ब्लैक कलर का आईलाइनर है, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। मैं आपको ये दोनों यूज़ करके दिखा देती हूँ। पहले ये ब्लैक ब्लैक यूज़ करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। एंड सेकेंड जो ये ब्राउन कलर का आईलाइनर है, ये भी देखिए, देखिए। फिर आप ऐसे कलरफुल आईलाइनर्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टू आईलाइनर्स हैं। सबसे पहले ये मेरे पास ब्लू आईलाइनर है, ये मुझे 20 रुपीज़ के पड़े थे, ये देखिए। एंड सेकेंड मेरे पास ये वाइट आईलाइनर है, जो कि लिक्विड आईलाइनर ही है, ये भी मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा था। एंड अगर आप उसके बाद एक मेकअप फिक्सर खरीदना चाहते हैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए, तो आप ये ले सकते हैं, CVB का मेकअप फिक्सिंग मिस्ट ये ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर है, जो कि मुझे 180 का ही पड़ा था। एंड लास्ट, अगर आप चाहें तो मेकअप अपना मेकअप करने के लिए आप ऐसे मेकअप ब्रश ले सकते हैं, ये स्विस ब्यूटी का ही मेकअप ब्रश है, मेकअप ब्रश बॉक्स है, प्रोफेशनल फेस एंड आई ब्रश सेट पूरा। इसमें आपको 6 ब्रश मिल जाएंगे, जिसमें से ये वाला ब्रश जो है, इसकी वीडियो मैंने अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई। आप ये स्विस ब्यूटी का, अगर आपको मेकअप ब्रश चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी का प्रोफेशनल फेस एंड आई ब्रश सेट ले सकते हैं। ये 600 का मेकअप ब्रश का पूरा सेट है, जिसमें कि 6 ब्रश आते हैं ऐसे, जिसकी कि ये फर्स्ट ब्रश जो है वो कॉम्पैक्ट ब्रश है एंड काफ़ी सॉफ्ट है, जिससे आपका जो मेकअप है वो ईजिली हो जाएगा। एंड सेकेंड ये फाउंडेशन ब्रश है, स्विस ब्यूटी का ही फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश है। आप ये दो फेस ब्रश हैं एंड ये आपके पास 4 आई ब्रश हैं, जिसमें से जो लास्ट वाला ये हाईलाइट एंड लैश ब्रश है, इससे आप ये एक एंगुलर ब्रश है एंड स्पूली ब्रश भी है, जिससे आप अपनी आईब्रो डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये आई शेडो ब्लेंडर ब्रश है, ये कंसीलर ब्रश है, इससे आप अपने कंसीलर लगा सकते हैं। एंड ये आपके पास ये भी आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश है। इस मेकअप ब्रश की मैंने अलग से वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, बहुत अच्छे मेकअप ब्रश हैं। और अगर आप इतने महंगे ब्रश नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप हेलो किटी के या फिर आप अर्बन डिके के नेक्ड के ब्रश खरीद सकते हैं, वो आपको ईजिली 150 की रेंज में मिल जाएंगे। एंड आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। थैंक यू।